वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हर लम्हा एचटी न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फरवा जीतन। हमारे साथ इस वक्त साफिया खालिद मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, यंग एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा रिसर्चर हैं और इसके अलावा सोशल ऑर्गेनाइजर। तो जानते हैं इनसे, इन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जानते हैं इसके पीछे इनका क्या मकसद था और इसके हवाले से क्या बताना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, साफिया खालिद और मैं ये जो है एक्सट्रीमली टुगेदर पाकिस्तान की सिटी वाइड यूथ कम्पेन्स हैं और यूथ कम्पेन में उन्होंने हमें एक दिया था कि फॉर प्रमोटिंग द पीस इंटरफेथ हार्मनी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और क्योंकि मेरा काम ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट में और मैं चाहती हूँ कि हमारे माशरे की खवातीन आगे आएँ और उनको जो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी सलाहियतें लोगों के सामने या दुनिया के आगे उजागर करने के, तो ये एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो इसलिए ये सिर्फ फीमेल लेड वॉल पेंटिंग एक्टिविटी थी लाहौर में और इसका मकसद यही था। और जो हमारी थीम है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम पाकिस्तानी हैं, बेशक हमारी ज़ुबानें अलग हो सकती हैं, हमारा मज़हब अलग हो सकता है, हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारे त्यौहार अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा दिल जो है पाकिस्तान के लिए धड़कता है और हमने इसके लिए बहुत कुछ करना है और वी आर यूनाइटेड टुगेदर एंड वी आर वन। थैंक यू सो मच मैम। और एंड पे हम एक मैसेज जानना चाहेंगे कि ये यूथ को, पाकिस्तान को और अपने देखने वाले को क्या मैसेज देना चाहती हैं। जी पाकिस्तान में तकरीबन जो है 64% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ आर यूथ और आई गेस ये आर यूथ हैज सो मच पोटेंशियल, सो मच टैलेंट और उनको बस अपना एक जो है वो प्लेटफॉर्म सेट कर दें कि जिंदगी में क्या करना चाहते हैं और ये छोड़ दें कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करता, हमें फैमिली की सपोर्ट नहीं, हमें रिलेटिव्स की सपोर्ट नहीं है। बस एक अपना हुनर जान लें कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करना चाहते हैं और उसके ऊपर लग जाएं और एक जब आपकी अपनी मंजिल तय कर लें तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है कि ऐसे बासलाहियत नौजवान आगे आएँ और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में उजागर। थैंक यू सो मच मैम। और जैसे इन्होंने हमें एक मैसेज दिया है उसमें बिल्कुल हमें यूथ को प्रमोट करना चाहिए और जिनको प्रमोट नहीं किया जाता, जिनकी सलाहियतें हैं, जिनमें टैलेंट है, तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जो है मुतारफ़ करवाया जहाँ पर वो मुख्तलिफ नौजवान बच्चियों को बुलाकर इस तरह से उन्होंने आज वॉल पेंट जो है इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, तो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा था। तो मज़ीद आप हमारी